नमस्कार स्टूडेंट, गुरुजी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि अभी आपका हम डीएलएड की जो आपकी तैयारी है, डीएलएड 2022 की, वो तैयारी हम आप लोगों को करा रहे हैं। और ये जो पेपर है, ये पेपर आपका जो हुआ था, ये आपका 4 दिसंबर सन 2020 को हुआ था, जो कि आपका 2019 का आपका जो पेपर था, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जो जीके वाला पार्ट है। जीके में आपके 1 से लेके 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम जो है वो क्वेश्चन करेंगे 26 से लेके 50 के बीच में। तो हमारा जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कहता है कि सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो जो आपके दो तरीके के आपके खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एक होता है आपका धात्विक खनिज और एक जो होता है वो होता है आपका कौन सा, अधात्विक खनिज। एक होता है धात्विक यानी मेटेलिक, एक आपका नॉन मेटेलिक। धात्विक में आपके कौन कौन से आते हैं, धात्विक में जैसे आपका लोहा है, बॉक्साइड है, मैग्नीज है, ऐसी अधात्विक में आपके कौन से आते हैं, अधात्विक में आपका कोयला है, चूना है, जिप्सम है, ये सब किस में आते हैं, आपके अधात्विक में आते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जो आपका धात्विक खनिज है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा अगर आप लगाएंगे तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा है, धारवाड़ क्रम की जो आपकी चट्टाने हैं वहाँ से आपका ये जो है, यहाँ पर ये खनिज पाए जाते हैं। जो धारवाड़ है ये आपका है कहाँ पे, जगह जो है अगर हम बात करें, कर्नाटक में एक जिला है आपका धारवाड़, उसी जिले के नाम पे इनकी जो चट्टाने हैं उनकी चट्टानों का नाम आपका क्या रखा हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टाने रखा गया है। और ये किस प्रकार की आपकी चट्टाने होती हैं, ये आपकी अवसादी चट्टाने होती हैं। कौन सी चट्टाने होती हैं, ये आपकी अवसादी चट्टाने होती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आप आंसर दीजिएगा, तब तक मैं आपको समझाता हूँ। गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील कहाँ पर है। तो जो आपका गोविंद वल्लभ पंत आपका कृत्रिम झील है वो आपका कहाँ पे है, वो आपका रिहंद बांध परियोजना में है। कहाँ पे है, रिहंद बांध परियोजना में। जो रिहंद बांध परियोजना है ये आपका कहाँ पे है, ये आपका सोनभद्र में है। कहाँ पर है, सोनभद्र में है। और ये सोनभद्र कहाँ पे है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। इसमें जो आपका स्टार्ट हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था, वो आपका 1962 में जो है वो आपका शुरू हुआ था। इसी प्रकार आपको जो है, जैसे हम सभी को पता है, जो टिहरी है वो आपका कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। अब आपको बताना है हीराकुंड कहाँ पे है, ठीक है। आपको इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हीराकुंड जो परियोजना है वो आपका किस राज्य में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सेटनिक वर्सेस नामक पुस्तक के लेखक कौन से हैं, ये उस समय आपका आया हुआ होगा। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका सलमान रुश्दी, ठीक है। कौन सा है, सलमान रुश्दी इसका आंसर है। आगे चलते हैं, रैयत बाड़ी भूमि लगान। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है, जो ये रैयत बाड़ी भूमि लगान व्यवस्था है इस पर भूमि पर अधिकार किसका था। तो रैयत मतलब होता है कृषक, क्या होता है, रैयत मतलब होता है कृषक और बाड़ी मतलब होता है प्रबंधन, ठीक है। तो ये रैयत बाड़ी यहाँ पर आपके पास किसके पास अधिकार था, ये आपका कृषकों के पास अधिकार था, ठीक है। सबसे पहले जो आपका लगाया गया, ये लगाया गया आपका 1792 में। कहाँ पे लगाया गया, मद्रास जो आज का चेन्नई है उसके बीच में लगाया गया। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो किसान है उनके बीच में आपका ये क्या हुआ था, पैक्ट हुआ था। तो आपको याद करना है जो रैयत बाड़ी भूमि व्यवस्था है, ये आपका भूमि पर जो अधिकार था वो किसके पास था, वो आपका कृषकों के पास था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आसान सा क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो आपको इस तरीके के जो संस्थान है उनको भी आपको याद करना है। तो जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है ये आपका कहाँ पे है, ये आपका शिमला में है। कहाँ पे है, शिमला हिमाचल प्रदेश में आपका ये है। हालांकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1949 में आपकी हुई थी पटना से। कहाँ से शुरुआत हुई थी, 1949 में आपकी पटना से शुरुआत हुई थी, लेकिन 1956 में ये आपका कहाँ पर है, ये आपका शिमला में आपका क्या हो गया, शिमला में आपका शिफ्ट हो गया। तब से ये शिमला में ही है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कहता है, अब तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, उस समय की बात थी। तो अब जो ये ब्रिक्स जो आपका है, ठीक है, ब्रिक्स का जो आपका है, हम ब्रिक्स में बात करें, ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, और आपका कौन सा है, आपके पास साउथ अफ्रीका है, दक्षिणी जो आपका अफ्रीका है वो आपका है, ठीक है। ये कब आपका बना था जो ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स आपका जो है वो 2006 में बना था। अब अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में इसमें कहाँ पर होना है, 2022 का जो इसका सम्मेलन है वो आपका चाइना में होना है। जैसे आप लोग आजकल सुन रहे हैं, आप नाटो के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत बार इसमें आप न्यूज़ वगैरह में सुन रहे होंगे, ओके। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32।
ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह संविधान में शामिल 22 भाषाओं में साहित्यिक योगदान हेतु दिया जाता है। ठीक है जी, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। ओके, ये गलत है। ठीक है, हिंदी भाषा के कवि सुमित्रा नंदन पंत को नहीं दिया गया। सुमित्रा नंदन पंत को तो आपका कब दिया गया? 1968 में दिया गया। आप जब इसको सही मान रहे हैं तो इसको कैसे सही मान सकते हैं? तो ये जो आपका है सुमित्रा नंदन पंत को उनकी जो पुस्तक है चिदंबरा, चिदंबरा के लिए 1968 में उनको क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। लेकिन जो आपका पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको दिया गया फिर? वो आपका दिया गया, वो नाम आप याद करेंगे, जी शंकर कुरूप। क्या नाम है? जी शंकर कुरूप को आपका 1965 में जो है वो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका दिया गया। तो भारतीय ज्ञानपीठ जो संस्था है उसके द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो आपका कौन सा है? वो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और कितने की आपको राशि मिलती है? 11 लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पे मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। आपको यहाँ पर इनको मैच करना है जो कौन सा सही है। ओके, शुभ मंडल बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये साइंस का आपका प्रश्न है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर A 1 2 3। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को संकलित किया गया है। गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को सम्मिलित किया गया है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के आपके थे प्रणेता। ये आपका इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका अधिदम्म पिटक में। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। गौतम बुद्ध आपके कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? आपका लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी आजकल कहाँ पे है? नेपाल में है। कहाँ पर हुआ था? राजा शुद्धोधन और उनकी रानी महामाया के ये आपके पुत्र थे। इनका बचपन का नाम आपका क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था। फिर ये क्या बन जाते हैं? आपको इनको जो बौद्ध गया है, ठीक है, बौद्ध गया में इनको आपका क्या, बोध गया में इनको क्या मिलता है? ज्ञान प्राप्त होता है। और उसके बाद सारनाथ में ये अपना पहला क्या देते हैं? पहला प्रवचन देते हैं। तो आपको इस तरीके से सारी चीजें याद करते हुए चलनी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अंटार्कटिका के सर्वोच्च शिखर माउंट विंसन का पहली दिव्यांग जो है वो आपकी कौन है? वो आपकी अरुणिमा सिन्हा है। आगे क्वेश्चन नंबर 36। 22वां फीफा विश्व फुटबॉल कप कहाँ पर होगा? तो ये जो आपका है ये आपका कहाँ पे होना है? ये आपका कतर में होना है। और कब होना है? ये आपका नवंबर और दिसंबर के बीच में, नवंबर दिसंबर 2022 के बीच में आपका होना है विश्व फुटबॉल कप 2022। आगे क्वेश्चन नंबर 37। नरसिम्हन समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आपका पूछा जाता है। तो जो नरसिम्हन समिति है ये सन 1991 में जब हमारे यहाँ पे अर्थव्यवस्था में या बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए आपकी इस समिति का जो है, इस समिति का आपका गठन किया गया था, जो आपका नरसिम्हन समिति है। इसने बहुत सारे यहाँ पर अपने क्या दिए थे, अपने सुझाव भी दिए थे। फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 को आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए और आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं तब तक आपको बताता हूँ कि अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहें, आप DLED का कोर्स हो या फिर आपका UTET का कोर्स हो या फिर CTET का कोर्स हो, अगर आप हमारी ये कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमारी ऐप वेदासी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये देखिए, कक्षीय समतल, कक्षीय समतल आपका ये है। ठीक है, ये कक्षीय समतल है। कक्षीय समतल से कितने का एंगल बना रहा है? 66.5 डिग्री का कोण बना रहा है। और एक ये क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये उस समय का आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ओके, आगे चलते हैं, दिसंबर 2019 ये भी आपका करंट अफेयर का। कोरोना वायरस हम सभी को पता है चीन के कौन से शहर से शुरू हुआ था? चीन के आपके वुहान शहर से शुरू हुआ था, इसीलिए इसको क्या बोला गया? कोविड-19 आपका बोला गया है। ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज जो है और 19 2019 का आपका ये है। फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो खेल है, खेल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन के आ रहे हैं। ठीक है, तो इनके आयोजन का जो क्रम है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 41 का है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, वाणिज्यिक बैंकों में जो NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपके क्या होते हैं? जो आपने एक तो लोन दिया पहले बैंक ने, वो लोन किस लिए दिया? ताकि उनको ब्याज मिल सके। अगर ब्याज ही ना मिले, साथ में आपका मूलधन भी ना मिले,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एनपीए बोलते हैं। बैंक के लिए सबसे जो बुरी बात होती है वो एनपीए होती है, जिस पर भरोसा करके आपने उसको लोन दिया, उधार दिया, वही आपको लोन नहीं वापस नहीं कर रहा है, तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो ऋण जिन पर ब्याज और मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है उसको हम एनपीए बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, एक राज्य के महाअधिवक्ता का कार्यकाल होता है। महाअधिवक्ता, आप सबसे पहले तो ये समझिए कि महाअधिवक्ता होता कौन है। जो राज्य का सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी होता है, कानून अधिकारी होता है, वो आपका कौन होता है, वो आपका महाअधिवक्ता होता है। जैसे अगर हम बात करें सेंट्रल में, सेंट्रल में आपका ये कौन होता है, ये आपका महान्यायवादी होता है, ठीक है। वैसे ही राज्य में आपका कौन होता है, राज्य में आपका महाअधिवक्ता होता है। कौन इसकी नियुक्ति करते हैं, इसकी नियुक्ति जो है वो आपका राज्यपाल करते हैं, और किसके अंतर्गत करते हैं, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत करते हैं। तो इसका कार्यकाल जो है वो राष्ट्रपति पे आपका निर्भर होता है, तो ये आपका कोई भी जो है इसका जो कार्यकाल है वो निर्धारित आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, आपको सही और गलत बताना है। ओके, ठीक है। इसका आप देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, पहला पार्ट सही है, और जो थर्ड पार्ट है वो आपका जो है वो सही होता है। क्वेश्चन नंबर 45, अब आपको इनके जो टैग लाइन है वो आपको मिलानी है। पहला तो बिल्कुल फिक्स है जी, सन्नो वर्णो भारतीय नौसेना का आपका है, ठीक है। वायुसेना का आपका क्या होगा, देखिए वायुसेना का आपका जो है वो ये बन के आएगा, नभम। अब बस इन्हीं दोनों से आप अगर मिलाना चाहें तो इन्हीं दोनों से आप मिला सकते हैं। देखिए पहला ए और डी ऑप्शन में से कोई एक होगा, ठीक है। अब इसका जो है थल सेना का आपका क्या है, सेवा अस्माकम धर्मम, सेवा हमारा धर्म है और अहिंसरम सेवा में है, ये आपका ये है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या बन के आया, ऑप्शन नंबर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी बन के आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, ये इस बार का इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अभी जो लास्ट कुछ महीनों पहले जो हमारे सीडीएस थे उनकी आपकी डेथ हो गई थी एक हेलीकॉप्टर में, जो एम आपका एम आई इनका हेलीकॉप्टर था वो आपका दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, कन्नूर जो जगह थी, कन्नूर जगह पे आपका हो गया था। तो वहाँ से हम कैसे पता करते हैं, जो आपका कोई भी घटना होती है तो ब्लैक बॉक्स से पता करते हैं। लेकिन ब्लैक बॉक्स का रंग पता है क्या होता है, ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो आपका नारंगी कलर का होता है। कौन सा होता है, नारंगी कलर का होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, ये भी नहीं आएगा, उस समय का करंट अफेयर है। आगे चलते हैं सत्रहवीं लोकसभा का, ये भी आपका नहीं बन के आएगा, हालांकि इसका जो आंसर है वो आपका क्या आंसर है, इसका आंसर आपका जो है जो प्रोटेम स्पीकर है, जो आपका टेम्परेरी स्पीकर है वो ये है, बट आज के समय जो स्पीकर हैं वो आपके कौन हैं, वो आपके ओम बिड़ला साहब हैं। कौन है, ओम बिड़ला जी हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 49, राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है, बिल्कुल ये भंग नहीं की जा सकती है, इसका कार्यकाल 6 साल का होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। तो देखो अगर ये गलत हो गया तो इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 है, बाकी दो ऑप्शन आपको करने की देखने की भी जरूरत है, ठीक है। तो बस ऑप्शन नंबर आपके पास क्या बचा, ऑप्शन 1 और 3 बचा है, ठीक है। एज जो होती है वो एज आपकी कितनी होती है, वो आपकी 30 साल होती है, 30 साल तो होनी ही होनी है। ओके, तो इसका जो है वो पहला और जो तीसरा है ये आपके सही हैं, बाकी वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50th, ये भी आपका जो है, ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये भी आपका जो है अब नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखिए, अगर आपने पेपर को एनालाइज किया होगा तो करंट अफेयर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन के आए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट चलिए आज के इस वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं, और आप पेपर कीजिएगा। अगर हमारा कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी ऐप में आप कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।